लंबे समय से पंजाब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की चली आ रही पे बैंड की मांग को सरकार ने पूरा कर लिया है। 15 नवंबर से हड़ताल पर बैठे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आखिरकार सरकार ने राहत दी है। कर्मचारियों की पे बैंड में संशोधित वेतनमान को लेकर अधिसूचना कर दी गई है। आइए जानते हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमान में कितनी वृद्धि की गई है। सबसे पहले जो ग्रुप नंबर 4 के कर्मचारी है, जिनका पे बैंड पहले 6,400 से 20,200 था और जिनकी ग्रेड पे 3,400 थी, उनके पे बैंड को बढ़ाकर अब 10,900 से लेकर 34,800 कर दिया गया है। साथ ही साथ इनकी इनिशियल पे भी अब इनक्रीज़ हो गई है, जो पहले जहां 10,010 रुपये थी, वही अब बढ़कर 14,300 हो गई है। इसी प्रकार से जो ग्रुप 4 से लेकर 9 तक के कर्मचारी है, जिनका ग्रेड पे 3,450, 3,500, 3,750 है, उनके पे बैंड में भी संशोधन किया गया है और उनकी जो अब इनिशियल हो गई है वो 14,350, 14,400 और 14,600, 14,700 और 14,750 कर दी गई है। इसी प्रकार से ग्रुप नंबर 17 के जो कर्मचारी है, जिनका पे बैंड 10,900 से 34,800 था और जिनकी ग्रेड पे 5,750 थी, उनको जो इनिशियल दिया जा रहा था वो 20,170 था, उसे बढ़ाकर अब सरकार ने उस पे बैंड को 16,650 से लेकर 39,100 कर दिया है और इनकी जो इनिशियल है वो अब 22,400 हो गई है। इन सभी पे बैंड को रिवाइज्ड कर दिया गया है और ये रिवीजन जो है 1/12/2011 से 31/12/2015 तक नोशनली कर्मचारियों को दी जाएगी। हालांकि इसमें जो एरियर है वो 50% ही दिया जाएगा, लेकिन जो नए पे स्केल का लाभ है वो भी इन कर्मचारियों को मिलेगा और वो इन सभी नए संशोधित वेतनमान पर मिलेगा, जिसमें कि 15% न्यूनतम वेतन वृद्धि भी कर्मचारियों को दी जाएगी।